अपना प्रदूषण का मुद्दा आज का नहीं आदिकाल का है। बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तैयारी रही है और क्या क्या इनके प्रचार अभी बाकी रह गए हैं और कहां कहां इन्होंने जनता को अपनी वादे किए हैं? जी बताएं, आपने क्या क्या वादे किए हैं और कहां कहां आपका प्रचार चल रहा है? नहीं, हम तो गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं पहले दिन से, सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। आज हमने रोड शो का प्रोग्राम बनाया, रोड शो के साथ साथ सारे गांव में लोगों से रूबरू हम अपने प्रत्याशी को करा रहे हैं। 30 से 35 गांव में आज हम इनकी हाजिरी लगवाएंगे माननीय कुंवर नरेंद्र सिंह जी की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको मिलवाने का प्रयास करेंगे। गठबंधन पूरी ताकत से इनको चुनाव लड़ा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी जोर शोर पूरी ताकत के साथ बरारी में स्वागत किया गया, 21,000 रुपये भेंट किए गए, एक जो है चांदी का मुकुट पहनाया गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं लोगों में भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा रोष है, बड़ा विरोध है, किसान नाराज है, गरीब मर गए, मजदूर मर गए, व्यापारी मर रहे हैं, तो उसका बड़ा समर्थन जो है कुंवर साहब को मिल रहा है। और ईश्वर की कृपा रही और ऐसा ही जो है जनाधार बढ़ता चला गया और आशीर्वाद मिलता रहा, तो कुंवर साहब 2 से 2.5 लाख वोटों की लीड से यहाँ से जीत कर जाएंगे। अच्छा, जैसे कि अगर आपके सांसद कुंवर नरेंद्र जी अगर बनते हैं तो उस बार आप जनता में क्या करना चाहेंगे उसके लिए? सबसे पहले तो इनकी प्राथमिकता रही है कि उन्होंने बताया था कि सबसे पहले हम शुगर मिल को चालू करेंगे, तो इस प्रकार की क्या क्या आपके वो कार्य? देखिए, कुंवर नरेंद्र सिंह ने जिंदगी भर संघर्ष किया और किसान मजदूर और नौजवानों की लड़ाई हमेशा ये लड़ते रहे। इनका उद्देश्य रहे, आज भी किसान के साथ कदम से कदम बढ़ा के ये चलेंगे। हमेशा जो है डीएम से लड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कुंवर नरेंद्र सिंह ने किया, तो प्राथमिकता है तो कुंवर नरेंद्र सिंह और गठबंधन के प्रत्याशी का जीतने के बाद किसानों का हित होगा। जनता का मानना है कुंवर नरेंद्र सिंह ऐसे नहीं है, कुंवर नरेंद्र सिंह ऐसे नहीं है। मैं अकेला यादव परिवार यहाँ इस बरारी गांव में निवास करता हूँ, ठाकुरों और जाटों का इलाका है, उसके बावजूद मैं भारी मतों से जिला पंचायत सदस्य इस पब्लिक ने बनाया, तो केवल काम और उनकी मदद की दम पे बनाया। नरेंद्र सिंह एक ऐसे प्रत्याशी है जो जनता के प्रति और किसानों के प्रति अपना पूरा कार्य करते हैं और करेंगे। जमुना प्रदूषण का मुद्दा आज का नहीं आदिकाल का है। बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है।